हेलो दोस्त, मैं शोविक, मेरा चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज दिखाऊंगा स्टीयरिंग के बारे में। देखिए, मैंने पहले क्या करूंगा, मैं इधर से लेकर उसी तरफ मैं कार को लेकर जाऊंगा, ठीक है। मैं बैक गियर दे दूंगा, तो बैक गियर मैंने दे दिया। उसके बाद मैं ओआरवीएम में देखूंगा पीछे से कोई कार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो पूरा से पूरा घुमा लूंगा। उसके बाद मैंने पीछे की तरफ जाऊंगा और मेरा पीछे वाला इधर से देखूंगा जो कोई चीज से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं तो मेरा बैक कैमरा है, बैक कैमरा भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो पीछे देखूंगा किसी से नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैंने स्टीयरिंग घुमा के फिर क्या करूंगा, दाहिने की तरफ ले लूंगा, क्योंकि मैं दाहिने की तरफ जाना चाहता हूँ। पहले मैं देखूंगा बाएं की तरफ कोई कार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मेरा दाहिने की तरफ से कोई कार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैं देख लूंगा। उसके बाद मैंने धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। इसके बाद मैंने दाहिने की तरफ ले लूंगा क्योंकि मैं अभी सॉरी बाएं की तरफ ले लूंगा क्योंकि मैंने मुझे को जाना है बाएं की तरफ से, ठीक है। लेफ्ट साइड के से लेकर मुझे को सामने की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑटो है, ऑटो के क्रॉस कर लिया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे सामने की तरफ जाऊंगा, ठीक है। थर्ड गियर दे दिया मैंने। सोचिए, मैंने रैश ड्राइविंग करना चाहता हूं, ठीक है। तो क्या करूंगा, देखिए सामने से बस आ रहा है, मैं ब्रेक दबा दूंगा। उसके बाद क्लच सेकेंड गियर दे दिया। उसके बाद मैं फिर सामने की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेकर चलेंगे तो कुछ नहीं होगा आपको। देखिए कुछ नहीं हुआ, ठीक है। स्टीयरिंग जितना देखिए, अभी जो कार मार्केट में चल रहा है सभी पावर स्टीयरिंग है, तो आप लोग बिल्कुल सही से पावर स्टीयरिंग इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा से ज्यादा घुमाना नहीं चाहिए। ये मैनुअल स्टीयरिंग नहीं है, पूरा से पूरा पावर स्टीयरिंग है। तो बिल्कुल सही से आप लोग इस्तेमाल कीजिए। देखिए सामने बाइक था इसलिए मैंने स्लो कर दिया, सामने बम्पर भी है, मैंने स्लो कर दिया, ठीक है। गियर कमांड लिया मैंने, इसके बाद मैंने धीरे धीरे बम्पर क्रॉस कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे सामने की तरफ मैं बढ़ूंगा, ठीक है। और एक बम्पर है, धीरे धीरे बम्पर क्रॉस करूंगा। उसके बाद मैं एक्सीलेटर दबा दूंगा और फिर सामने की तरफ जाऊंगा और गियर भी ज्यादा करके लूंगा, ठीक है। अभी मेरा सामने बाइक है तो उसको मुझे को ओवरटेक करना है। हॉर्न दे दूंगा, वो साइड दे देंगे। उसके बाद मैंने सामने की तरफ जाऊंगा। मेरा पीछे वाले देखने के लिए मैं ये मिरर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हर टाइम में। फिफ्थ गियर मैंने दे दिया, देखिए ऐसा करके आप लोग सही से जब रास्ता खाली रहेगा तब ऐसे करके चला सकते हैं आप, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं देखिए इसको ओवरटेक करना चाहूंगा। ओवरटेक सही से कर लिया मैंने, ठीक है। तो कोई परेशान का चीज नहीं है, बहुत इजी है, इजी प्रोसेस है। देखिए सामने से ऑटो है और उधर से मोटर जो वैन है वो भी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कराया, मैंने गियर कम कर लिया। मैंने मेरा बाएं की तरफ स्कूटी था इसलिए मैंने स्पीड पूरा से पूरा कम कर लिया, हॉर्न दे दिया मैंने। उसके बाद सामने की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल बात टेंशन ले लीजिए, पूरा से पूरा ना फ्री हो जाइए, फ्री होके आप लोग कार चलाइए, ठीक है। देखिए मैंने इसको ओवरटेक कर लिया, ठीक है। मेरे सामने और एक बाइक है, ठीक है। तो इसको मैं ओवरटेक करना चाहूंगा। तो मैं अभी मेरा स्पीड कम हो गया तो इसलिए मैंने सामने एक बम्पर है, ठीक है, वो जाने दो उसको, क्योंकि मैं दाहिने की तरफ जाऊंगा। इंडिकेटर दे दिया, मैं देखूंगा बाएं की तरफ कोई कार है कि नहीं है, ठीक है। दाहिने की तरफ कोई कार नहीं है, मैं धीरे धीरे सामने की तरफ चला जाऊंगा। तो
ऐसे करके हम लोग कार चलाएंगे तो आपको हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, इजीली इजी प्रोसेस है, पूरा सिंपल है, दिमाग ठंडा करके आप लोग कार चलाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज इतने तक ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।